निका जी आपने इधर खड़े होना है, आप भी इधर ही खड़े रहिएगा ताकि मुझे नजर ना लगे। फिजा जी ये वो कपल है जिन्होंने पहले मोहब्बत की बातें की हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे को इन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं और इन्होंने कहा है किसी भी सूरत एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या बात, लेकिन बेड़ा गर्क इस महंगाई का, उसकी वजह से ये दो प्यार करने वाले अब प्यार नहीं करते। अच्छा? अब क्या करते हैं, हम दिखाते हैं। ये बीवी घर बैठी है, खावंद काम से आया, वेखियो ते की कुत्ती चिका होने लगे। जान डार्लिंग मैं ऑफिस से आ गया हूँ। तो मैं क्या करूँ, कुछ चाह पानी पूछ, मैं क्या करूँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो। कोई है पेचकस लियाओ, कान खोल के दे देना था। जितो आओ तुसी नाराज होंदे हो, बेगम आखिर वजह की है? वजह क्या वजह, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के कहाँ जा रही है तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। तुम मेरी दहलीज क्रॉस नहीं कर सकती हो। याद नहीं है जब तुम्हारी रुखसती हुई थी तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि यहाँ से तुम जा रही हो, उधर से मेरे दामाद का जनाजा आना चाहिए। याद है तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है मेरी माँ ने क्या कहा था। मेरी माँ ने कहा था ये तू जा रही है ते जा, फिर तेरा कुंड बांदर ही चुकेगा। नहीं तेरा दिल नहीं कीता या बांदर नहीं लभिया? क्या बताऊं आपको, सर पे लेने के लिए घूंघट ही नहीं था। मैंने तो प्यार की खातिर इससे शादी कर ली, मुझे क्या पता था ये फुकरा मेरे गल पड़ जाएगा। उत्तर रस्मा होनी है तो भराया कि नहीं सही, जुती छुपाई की रस्म होने लगी है। हाँ। तो मैं कहता जीजा जी अपना मुंह दो ऐसी ये ही लुकोना है। हाँ। नहीं दिया जुती लुकोई दी होंगी तू मैनू लुकोन दे। तो देखो शादी वाला का ना मटन ना चिकन, सारे बंद गोभी खा के खुश हो गए। और दसा मेरी गल बंद है ना, उनू बंद रहन दे बेगम, झाके इन्हां दे खुले ने गोभी बंद खांदे ने। मेरा सौरा मैनू कहिंदा दो ट्रक समान दे आ रहे ने, दो ट्रक आए साडे बूहे के बजरी ते रेत ला के चले गए। तलाक दो या मुझे 5 करोड़ का बंगला लेकर दो। 5 करोड़ का बंगला लेकर दूंगा तानू। हाँ। सारा इन्हां दा टब्बर जिहड़ा एक गड्डी ते फिरदा है, 3 पहिया वाली गड्डी, अगे प्यो बैठा हुंदा, पिछे मां बैठी हुंदी, इन्हां साइडां ते दो भरा बैठे, पंजे मिल के करन आंदे याल्ला याल्ला। फिजा जी देखो दो दफ्तरां च नौकरी करना, सुबह एक दफ्तर जाना, शामी जाके ते पार्ट टाइम करना। अच्छा दूसरे दफ्तर च क्यों नौकरी करना, मैं पहले च सही थी करके आंदा। मैनूं इहदे नाल निबड़ लैंदे सालियां नाल, मैं बाद च गल करांगा। फिजा जी मेहनत कर करके मेरियां अखां सुज गईयां ने। गल एवें करदा पे बचपन तों चुन्ना जे। जान सोने मैं सदके तो वो बातें क्यों नहीं पूरी करते जो तुमने शादी से पहले मुझसे वादे किए थे कि तुम्हें बड़ी सी गाड़ी लेकर दूंगा, 5 करोड़ बैंक बैलेंस दूंगा, बड़ा सा हमारा बंगला होगा, हम हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे। कहाँ है वो स्विट्जरलैंड? मैं तो रोज ख्वाब से जाना, तू चली जाया कर, तेन उधर तो ख्वाब नहीं होंगे। गरीब लोग ने इन्हों ख्वाब ही इंजे होंगे, बस उल्ट गई 25 बंदे मर गए, फिर उठ के सदका देन डे होंगे। फिजा जी एडी ना शुक्री औरत है, उदन वो पतीले के उत्ते 2 मुर्गियां पई सी यखनी के पतीले से, उन्होंने नाल इहदियां सैल्फियां लवाईयां ने, इन्हों वो वक्त भुल गया। क्यों नहीं दसते कि अपने मुंह से कपड़ा पा के लगे हुए सर? 2 बच्चे हैं जी, उनकी फीसें पूरी नहीं होती, और क्या करेगा ये? कहिंदी उस स्कूल च पढ़ावांगे जिथे मेरी भैन दे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। वो अमीर लोग ने, मैं उते हुण गुर्दा वेच के उन्हां दीआं फीसां जमा करावां। तो एक गुर्दे से काम चला लो ना। मैं तो स्कूल वालिआं नूं कहा, मैं कहा एक बच्चा रख लो एक पढ़ा दो। उस वक्त तुमने कहा था मैं जैसे हालात होंगे तुम्हारा साथ दूंगी, हुण ऐसा स्यापा पाउंदी है साडे महल्ले वाले जिहड़े ने ना अपने घरां दे टीवी बंद करके साडा शुक्ल वेंदे ने सारी रात। इन्नी अच्छी आवाज शहरी दे टाइम ते पीपे चो नहीं आउंदी जिन्नी इहदे पिटन दी आउंदी। 2 महीने से हमारे घर की गैस का बिल नहीं दिया गया। क्या बिल दे भी दवांगा तो गैस कड़ा होनी, मैं पागल बिल आवाजा बिल दे जावा गैस आवे ना। मीटर ला के लै गया, मैं कहा मेरा है, कहिंदे पैसे दे जी ते लै जी। ये तो इंजी है, तू इतने अपना पर्स रखे तो मैं चुक के ला जा। चलो रोटी कपड़ा घुमाना फिराना ये आशिया नहीं देते, मगर आपको अच्छे घर में तो रखा है ना। अरे कहाँ का घर, कौन सा घर, उस घर का तो 4-4 महीने ये बिल नहीं देता, किराया नहीं देता, मालक मकान आके उल्टा मेरे साथ लड़ता है और खुद ये शॉप पे चले जाते हैं। तेना लड़ते ना? हाँ। तो तू भी अगो लड़ पिया कर, किसी तरह मेरी तो जान छड़ाओ, ताले तो ताला ला के चला जाता, मैं थल्यों अपना खोल लेना, लगा रहा है।
मैं किराया लेट आज तक नहीं सी करना, मैं जिन्ना दी वजह तो मेरा किराया लेट होन दिया। क्या मतलब? कौन से जिन? साडे पिछले कमरे च रहिंदे आ, उन्होंने मैं कह सकदा तुसी दे जाओ अद्धा मैं दे जाता। उन्हां दा ऐसा बेड़ा गर्क होया, 6 महीने हो गए देने नहीं दिंदा। वो कहंदे जी साडा अपना कुक ऑफ च नुकसान हो गया। उससे बड़ा जिन और कौन हो सकता है जो मेरी जिंदगी खा गए और मुझे ही चिमट गए। बात तो सही कह रही है यार। वो तेरी मैं जिंदगी खा गया, एडी आमलेट वाली जिंदगी तेरी। जान आज के बाद तुम घर छोड़ के नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करूंगा। कहाँ जा रहे हो? करप्शन करन। शानदीदा देख रहे अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। साईं जी, और केड़े-केड़े मुल्का च गाया है? पुत्र पूरी दुनिया ते गा बैठा, एक शहर रह गया है, दो शहर रह गए सिर्फ, मक्का ते मदीना। माशाल्लाह। अरब दे मुल्क भी 8 फिरे न, पर शाम ही फिरे, सारे पूरी दुनिया फिर चुका। क्या बात। इंडिया दा मेरा 70 वीजा है, पाकिस्तान दे मुल्कां दे हर मुल्क दा इक दे चार कदे पांच चार पांच। वाह 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 वाह। भाई जी इन्नी दुनिया फिरी आ जी, कोई एहो जी बेवकूफ लभी? ना भाई, साडे नालू अच्छे। साईं मेरे पास बहुत शुरू से, मैंने इनके इतने इंटरव्यू किए, वो तो सुनेंगे भी नहीं मेरे खिलाफ कुछ। साईं कुछ कह देना, देखे मुझे क्या क्या कह रहे हैं, मैं बेवकूफ दिखती हूं क्या? ओ सूफी बंदा है, उन्हें जब तक वो बोलेगा नहीं उनका रचाओ नहीं हो सकता। मेरे लिए कौन बोलेगा? साईं मैं जो रो रही हूँ, मेरे लिए कौन बोलेगा? ओ बेटी, एक इंसान का नफ्स है नहीं मोया, मर वे खसमा मर ना खसम, मरे ते नवसे घर, जींदिया खसम ना मिलिया डोई, खसम मार सो आगन होई, उनका खसम नहीं मोया है ना। मुझे फिजा की पंजाबी सुन के ना ऐसे लगे मुस्तफा कुरैशी साहब मौला जा 2 हम देख रहे हैं। नवा नथी रही मैं उर्दू पढ़िया नहीं है, उर्दू तो नहीं आता, थोड़ा शेर एक सुना दे। उर्दू में कैसी है? हाँ जी हाँ जी। अजब जान मेरी, अजब जान मेरी, ये उलझन पड़ी है कि जुल्फों में दिल में ये बेड़ी पड़ी है, ना तेरी खता है ना खंजर की कातल, अजल ही मेरे सिर पर आई खड़ी है, मेरी कबर ठुकरा से हमवार कहकर कहा कैसी रस्ते में टेरी पड़ी। साईं जी भी मेनू कबर ची लै गए ना। मैं भी किसकी कब्र बनवा रहा हूँ, मुझे तो कोई अच्छा नेक इंसान मिले जिसकी कब्र बनवा के सवाब तो मिले। अच्छा मेघा, अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। एक ब्रेक आया, उसमें शादी हुई और थोड़ा टाइम घर को दिया। शादी कैसे हुई है? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बस लव को अरेंज करके मैरिज कर ली। तो आया कैसे रिश्ता? हमारी मुलाकात हुई थी दुबई में, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा कह लें कि व्हाट्सएप का भला हो, मैसेजेस आए गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, फिर हमने शादी कर ली। तो आपको कैसे लगा कि ही इज़ द पर्सन जिनको मुझे हाँ कहनी चाहिए और इनके साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना चाहिए? देखिए, ये तो कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि उस वक्त आपको ये लगता है कि हाँ मुझे इसी से करनी चाहिए, वो तो वो प्यार होता है और वो आपके बस में नहीं होता। कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी लगी आपको? क्वालिटी ये थी कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं और हमेशा सच बोलते हैं और कड़वा भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं ना वो हमेशा दिल के अच्छे होते हैं। शादी के बाद फिर मैं काफी अरसा बाहर रही, उसके बाद जब वापस आई तो आपको पता है जब माहौल आपका एक ऐसा हो और आप उस माहौल में सारी जिंदगी मैंने गुजारी है, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि अगर आप ये करना चाहती हैं, अगर आप कर सकती हो कर सकती हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ये आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट के साथ कर रही हूँ। सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और एक गल होर तेनू दस देवां भैया, क्या कदी तू इहदे नाल प्रोग्राम करन बाहर चले जावे ना, हां
इस किस्म की हांडी पकांदी मैं कहना चुप ही कर जा करेले गोश्त क्या बात है। तो आप अपने मियाँ को खिलाती हैं पका पका के? जी बिल्कुल बिल्कुल पकाती हूँ। और जब वो कोई ख़ास फरमाइश करते हैं, उनकी एक फरमाइश होती है कि साग बना दें, सरसों का साग, तो उसको बनाने में ज़रा टाइम भी लगता है क्योंकि वो बिल्कुल हमारी देहात की डिश है, तो उसको बड़ा टाइम लगता है। तो वो सुबह से रखा हो तो वो शाम तक रेडी होता है। अगर आपने रेडीमेड बनाना हो तो वो तो झटके से बन जाता है, जैसे ही ग्राइंडर वगैरह आ गया। लेकिन जब हाथ की घुटाई होती है ना, तो वो जो स्वाद होता है ना, जो मज़ा होता है, ग्राइंडर का वो टेस्ट नहीं आता, वो नहीं आता। तो खाने हर किस्म के मैं बना लेती हूँ, जैसा भी। एक सुघड़ माँ की सुघड़ बेटी। क्या बात है, सुघड़ बीवी।